निशिकांत कामत ने साल 2008 में मूवी मुंबई मेरी जान से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में माधवन, सोहा अली खान, के मेनन, परेश रावल, इरफान खान और केविन देव शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,54,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,04,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2011 में एज ए डायरेक्टर निशिकांत कामत की अगली मूवी आई फोर्स। इस मूवी के लीड कास्ट में जॉन अब्राहम, जेनेलिया डिसूजा, विद्युत जामवाल, राज बब्बर, मुकेश ऋषि, मोहिनीश बहल, संध्या मृदुल और कमलेश सावंत शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 28 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 25,71,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 39,03,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2015 में एज ए डायरेक्टर निशिकांत कामत की अगली मूवी आई दृश्यम। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, ईशिता दत्ता, रजत कपूर, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत शामिल थे। ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 62 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 67,13,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 107,87,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2016 में एज ए डायरेक्टर निशिकांत कामत की अगली मूवी आई रॉकी हैंडसम। इस मूवी के लीड कास्ट में जॉन अब्राहम, श्रुति हसन, शरद केलकर और खुद निशिकांत कामत ने भी काम किया था। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 43 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 25,15,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 35,58,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2016 में एज ए डायरेक्टर निशिकांत कामत की अगली मूवी आई मदारी। इस मूवी के लीड कास्ट में इरफान खान, विशेष बंसल, जिमी शेरगिल, तुषार दलवी और राजीव गुप्ता शामिल थे। ये एक एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 20 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 18,07,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 28,73,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको निशिकांत कामत की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। निशिकांत कामत की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।